हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कोई भी SMPS को रिपेयरिंग करने के लिए जितना बेसिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़रूरत है, और एक टॉपिक के बारे में हम लोग आज सीखेंगे इसी वीडियो में। ये जो SMPS देख पा रहे हो, SMPS पहले इंस्टॉल किया हुआ था मैंने। अभी क्या करेंगे, इसके हर एक पुर्जे को अलग कर लिया, पार्ट पार्ट करके हम लोग सीखेंगे रिपेयरिंग के टाइम कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आने से क्या करना पड़ता है। देखिए, पहले क्या करता है, ये जो MMC सेक्शन है, पावर इनपुट सेक्शन, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद ये चौपार के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद फीडबैक के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। देखिए, पहले इसमें क्या होती है, AC इनपुट दिया हुआ होता है आउटपुट में, ए डायोड के आउटपुट में AC इन होके DC आउटपुट होती है। पहले क्या करते हैं, सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग SMPS पे क्या होता है, पहले AC इनपुट कर दिया होता है। AC क्या होता है, फ्यूज से आके और थर्मिस्टर होके आके इधर तक आ जाती है। उसके बाद ये क्या है, ये एक MOB लगा हुआ है। MOB का काम क्या है, ये देख पा रहे हो MOB, इसको MOB बोलते हैं। MOB का काम क्या है, ये जितना वैल्यू का MOB है, MOB एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका काम क्या है, उसका लिमिटेड वोल्टेज से ऊपर वैल्यू का वोल्टेज, AC वोल्टेज इनपुट हो जाए तभी ये अपने आप शॉर्ट होके ये फ्यूज को बर्न कर देती है। तभी क्या, AC इधर से इधर तक नहीं, इधर से और इधर नहीं आएगा, ये फ्यूज बर्न जब हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, ये क्या करती है, इसी AC के लाइन पे जितना रिपल्स रहता है उसको फिल्टर करने का काम ये रेजिस्टेंस एंड ये PF करता है। फिर क्या होता है, AC इधर तक आ जाती है, जितना वोल्ट AC आप लोग इधर से इधर इनपुट करोगे, इधर जितना AC आप लोग प्रोवाइड करोगे उतना AC इधर और इधर आ जाएगा। उसके बाद एक कॉइल क्या करेगा, बाकी जो रिपल्स रहता है और आउटपुट फ्रिक्वेंसी बनने टाइम जितना रिपल्स पैदा होती है उसको ये फिल्टर कर देती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये डायोड सेक्शन पे कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोग देखा है इधर चारों डायोड लगा हुआ है, दोनों डायोड का कैथोड हिस्से को हम लोग इधर जोड़ के पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट करेंगे, और एनोड को नेगेटिव, दोनों एनोड, और एक कैथोड एक एनोड, और एक कैथोड एक एनोड को जोड़ के AC प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, इधर जितना वोल्टेज, मान लो इधर 220 वोल्ट का AC प्रोवाइड आप लोग कर रहे हो, तो डायोड में कितना आएगा, वही 220 वोल्ट AC आएगा, AC, लेकिन डायोड से होके क्या करेगा, उतना वोल्ट आउटपुट में DC बन के आउट होगा। इसी सर्किट को हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है। पहले क्या करेंगे, इसमें AC का वायर को हम लोग जोड़ देंगे। देखिए, पावर कनेक्ट कर दिया हूँ AC में। देखिए, इसको AC पे पहले हम लोग मेजर कर लेते हैं AC वाले वोल्टेज को। इधर देखिए कितना करके आ रहा है, 253 करके आ रहा है फ्रेंड। इधर कितना आना चाहिए, वही 253 देखिए, और ये डायोड के बाद भी उतना आना चाहिए, 253-54 ऐसे करके आना चाहिए। आपके पास जब भी कभी SMPS बनने के लिए आएगा, मान लो उसका कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आपको पहले क्या देखना है, ये जो डायोड वाला हिस्सा है यहाँ तक AC आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ तक अगर नहीं आ रहा है तो क्या देखना है, ये फ्यूज को देख लेना है, फ्यूज को, और ये जो थर्मिस्टर है इसको देख लेना है, क्योंकि यही सीरीज में है, वोल्टेज को यही रोक सकता है। लेकिन क्यों रोक सकता है, APF MOB इसके शॉर्ट होने पर भी ये वोल्टेज को रोक सकता है। तो पहले क्या देख लेना है, इधर AC बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए, AC तो बन रहा है, अभी क्या देखना है, आउटपुट में DC बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो DC मोड में
कर दीजिए। उसके बाद देखिए कितना 229 230 करके डीसी बन रहा है फ्रेंड, मल्टीमीटर पे देख सकते हो डीसी करके आया है। सो इधर तक हम लोगों का डीसी आ गया है, लेकिन इसमें जो डीसी है ये बूस्ट अप नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने कंडेंसर अटैच नहीं किया है फ्रेंड। देखिए अभी एक बात आप लोगों को दिखाता हूँ, मान लो कोई डेढ़ SMPS रिपेयरिंग होने के लिए आया है, पहले आप लोग को क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है इसमें कोई शॉर्ट वगैरह है या नहीं है। शॉर्ट देखने का प्रोसीजर क्या है, पहले मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे आप रख दीजिए, उसके बाद ये जो AC वाला हिस्सा है इस पर मल्टीमीटर को कनेक्ट कीजिए। देखिए कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख पा रहे कुछ नहीं आ रहा है। और मल्टीमीटर का प्रोब को और एक बार उल्टा घुमा के देख लेना है, कुछ मल्टीमीटर पे शॉर्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। और ये जो डायोड सेक्शन है, बीच सेक्शन है डायोड का, इसका आउटपुट में भी आप लोगों को शॉर्ट चेक कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड कुछ रीडिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, 989 करके आ रहा है, इसका मतलब इस पर भी कुछ शॉर्ट नहीं है। लेकिन देखिए इसमें से जब एक डायोड को हम लोग देखिए, सो अभी देखिए फ्रेंड मैंने क्या किया, इसमें जो चारों डायोड थे उसका एक डायोड, एक डैमेज हुआ डायोड जो शॉर्ट है उसको मैंने इनबिल्ट कर दिया हूँ आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए। सो अभी देखिए, अभी तो एक डायोड शॉर्ट है लेकिन आउटपुट में वोल्टेज कितना आ रहा है देखिए आप, देखिए फ्रेंड DC में देखिए वोल्टेज देख पा रहे हो 121 करके DC बन रहा है क्योंकि इसमें एक डायोड मैंने क्या किया, एक डायोड डैमेज डायोड लगा दिया शॉर्ट डायोड। आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट हुआ डायोड लगाने के बाद वोल्टेज बन रहा है लेकिन फ्यूज नहीं उड़ रहा है, क्या बात है। लेकिन देखिए फ्रेंड मैंने क्या किया, सीरीज में चेक कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी SMPS को, कोई भी SMPS को आप जब रिपेयरिंग करोगे सीरीज में चेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप लोगों को भी पता नहीं भाई SMPS में कहाँ शॉर्ट है, शॉर्ट रह सकता है या नहीं रह सकता है। इसके लिए कोई भी SMPS को रिपेयरिंग करने से पहले आप लोग सीरीज में टेस्ट कीजिए। देखिए अभी तो इधर मैंने एक शॉर्ट डायोड लगा दिया, अभी कंटिन्यू देखिए आउटपुट में AC का इनपुट में शॉर्ट है या नहीं है। अब देखिए देखिए फ्रेंड कुछ नहीं, फ्रेंड देखिए कुछ नहीं रीडिंग आ रहा है। लेकिन अभी क्या करेंगे, मल्टीमीटर को घुमा के लगाएंगे, देखिए कितना बता रहा है, 0.525 करके रीडिंग आ रहा है। AC इनपुट पे आएगा तो मेगाम्स के ऊपर वाला कुछ वैल्यू दिखाएगा तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे 500-600 के अंदर कोई भी रीडिंग दिखाएगा तो आपको मान लेना है आउटपुट सेक्शन पे जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन डायोड है इसमें एक डायोड शॉर्टेज है। देखिए मैं ये वाला डायोड को आप लोगों को लगा के क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो डायोड है इसमें एक डायोड शॉर्ट हो जाए भी ऐसा आएगा, लेकिन इसमें डायोड, इसका अंदर वाला जो डायोड है इसको मैं शॉर्ट करके आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता, इसीलिए मैंने ये वाला डायोड को लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसा मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर तरह का जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे तो ऐसा डायोड नहीं रहेगा, सो ऐसा भी रहेगा। लेकिन देखिए इसमें ऐसे कंडीशन पे चारों डायोड लगा हुआ है, सो इसको लगाने के बाद आसानी है आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना, इसी के लिए मैंने ये डायोड को लगा दिया। सो देखिए आपने देखा है साथ आउटपुट पे शॉर्ट बता रहा है, कोई भी SMPS को रिपेयरिंग करने से पहले आप लोगों को क्या देख लेना है, इसी आउटपुट पे कोई शॉर्ट वगैरह है या नहीं है। सो तभी ऐसे कुछ दिखा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा भाई SMPS के डायोड वाला सेक्शन में कुछ शॉर्ट है। सो काम करने से पहले आप लोगों को मल्टीमीटर से डायोड को चेक कर लेना है। और आउटपुट में अभी देखिए कितना करके कुछ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, देखिए फ्रेंड आउटपुट में भी देखिए 564 ऐसे करके दिखा रहा है फ्रेंड। सो देखिए आप लोगों को पास
इसी सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम आएगा एसएमपीएस का, इसी एएमएमसी सेक्शन पे, तो आप लोग आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये डायोड का जो एनोड कैथोड वाला हिस्सा है, एसी वाला जो हिस्सा है, उतना तक वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, ये आप लोग आशा करता हूँ अभी आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। सो देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इस पर कैपेसिटर इनबिल्ट करेंगे। सो देखिए अभी क्या कर दिया हूँ, इस पर एक कैपेसिटर को इनबिल्ट कर दिया हूँ। देखिए कैपेसिटर तो मैंने इनबिल्ट कर दिया हूँ, अभी क्या इसमें वोल्टेज ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इस पर कैपेसिटर इनबिल्ट कर दिया हूँ। सो देखिए एसी कितना आ रहा है पहले आप लोगों को देख लेना है भाई। देखिए एसी कितना आ रहा है, एसी आ रहा है 253-254 करके इसमें एसी आ रहा है। सो इसमें एसी कितना आ रहा था, 253 मान लो 253 आ रहा था, अभी क्या करना है इनटू दी पावर 1.414, तो कितना वोल्टेज डीसी आउटपुट में आना जाना चाहिए, 357 के आसपास, 357 के आसपास फिल्टर के में आ जाना चाहिए। देखिए कितना आ रहा है वो भी देख लीजिए, डीसी डीसी में जाइए, देखिए कितना आ रहा है 352। सो अभी आप लोगों को पता चल गया कि ये फिल्टर तक हम लोगों का वोल्टेज बराबर बन रहा है। सो देखिए कोई भी एसएमपीएस पे आप लोग जब रिपेयरिंग के काम करोगे फिल्टर पे देख लेना है एसी इनपुट में जितना वोल्ट है उसके साथ आप लोग 1.414 इंटू मल्टीप्लाई कर देना, जितना वोल्ट का डीसी वोल्टेज बनेगा उतने के आसपास से फिल्टर पे वोल्टेज रहना चाहिए, वो भी डीसी में, तभी आप लोग कंफर्म हो जाएगा कि फिल्टर बराबर कंडीशन पे काम कर रहा है, नहीं तो आपको ये फिल्टर को चेंज करके देखना है कि इतना वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये फिल्टर डैमेज हो सकता है। देखो कोई भी एसएमपीएस पे आप लोग जब काम करोगे ऐसे बल्ब को रख लेना है डिस्चार्ज करने के लिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक का खतरा रहेगा। सो अभी क्या करेंगे, ये सर्किट को हटा के बाकी जो पार्ट है उस पर इसको इनबिल्ट करेंगे प्रिंट। अभी ये जो स्विचिंग और चौपर वाला हिस्सा है इसमें इनबिल्ट कर दिया हूँ। आपका पास अगर कोई डैमेज एसएमपीएस आएगा तभी आप लोग क्या करोगे, फिल्टर तक कैसे वोल्टेज देखना है आप लोगों ने समझ लिया है, अभी आगे जाके देखेंगे उसके बाद क्या क्या होना है। देखिए कोई भी एसएमपीएस जब आपके पास आएगा वो एसएमपीएस एक्टिव कंडीशन पे हो या नॉन एक्टिव कंडीशन पे हो, उस पर क्या होता है एक VCC सप्लाई रहता है, किस लिए, ये चौपार को मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए जो ऑसिलेटर IC रहता है उसका जो VCC है उसमें वोल्टेज आप लोगों को देख लेना है, चौपार स्टार्ट हो या ना हो। सो ये जो PWM IC है उसका जो सप्लाई कैसे बनता है, एक कैपेसिटर की प्लांट से एक रेजिस्टेंस और ग्राउंड के साथ एक कैपेसिटर दिए के एक फिल्टर बना के इधर एक जो सप्लाई PWM VCC बनता है। सो आपका आउटपुट में कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है, सो पहले क्या देख लेना है ये VCC सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको देख लेना है, क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन पे रहेगा, ये जो चौपर है ये एक्टिव कंडीशन पे हो या नॉन एक्टिव कंडीशन पे हो VCC पे वोल्टेज रहना चाहिए। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर AC दे के इस पर VCC बन रहा है या नहीं बन रहा है या देखेंगे। सो देखिए अब VCC पे कुछ लोड नहीं है, सो एक कैपेसिटर पे वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा बन सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले
इस पर एक प्रोटेक्शन के लिए एक जेनर को इनबिल्ट कर देंगे। कितने वोल्ट का हम लोग क्या करेंगे, एक 20 वोल्ट का जेनर इनबिल्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर सर्किट पे जो VCC सप्लाई बनता है वो 20 वोल्ट का अंदर रहता है। सो ये जेनर हम लोग लगा के देख सकते हैं कि इसमें ये रेजिस्टेंस हो के जो ये जो देख पा रहे हो, ये जो सप्लाई से रेजिस्टेंस हो के ये VCC तक वोल्टेज आ रहा है, इसमें एक्चुअली स्विचिंग होने से पहले स्टार्टअप वोल्टेज रेडी होता है या नहीं होता है, ये भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न रह सकता है। लेकिन देखिए मैंने ये जेनर लगा दिया हूँ, अभी इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए स्विचिंग मोसफेट ट्रांजिस्टर कुछ नहीं लगा हुआ है, ये फुल्ली डेड कंडीशन पे है। सो देखिए मेरे पास ये 20 वोल्ट का जेनर नहीं है, इसलिए मैं एक 18 वोल्ट का जेनर लगा दिया हूँ। सो अभी पावर देते हैं, इससे कितना करके आ रहा है देखिए 252, और डायोड की इनपुट पे भी देखिए कितना 253। अभी DC कर देंगे, DC करने के बाद फिल्टर पे देखिए कितना बन रहा है 243, कितना बन रहा है 349 करके बन रहा है फ्रेंड। अभी ये जो रेजिस्टेंस होके इधर सप्लाई आता है सॉफ्ट स्टार्ट के लिए VCC कर रहे, देखिए इसमें वोल्टेज देखिए DC में देखिए 17.39 वोल्टेज करके बन रहा है फ्रेंड, क्योंकि मैंने 18 वोल्ट का एक जेनर लगा दिया है। सो आप लोगों को इधर ये पता चल गया कि SMPS कोई भी कंडीशन पे हो, वो ऑन रहे या ऑफ रहे, ये VCC सप्लाई पे VCC वोल्टेज बनना चाहिए, ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए STR वगैरह के स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये जो चौपार होके ऑक्सिलरी सप्लाई बन के VCC तक जाती है, ये कब बनता है, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, स्विचिंग प्रोसेस चालू होती है, तब भी जाके ये सॉफ्ट स्टार्ट का रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज आती है उसी पे ये ऑक्सिलरी से वोल्टेज जाके ये STR बोल सकते हो या PWM सेक्शन को एक्टिव कराते हैं। देखिए पहले क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है VCC रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ वोल्टेज आएगा, आके इसमें जो PWM सेक्शन का जो MOSFET STR जो भी कंपोनेंट्स रहेगा उसको एक्टिव करेगा। वो क्या करेगा, ये चौपार को स्विचिंग करेगा। स्विचिंग करने के बाद क्या होता है, इसका ऑक्सिलरी से सप्लाई बन के उसी PWM सेक्शन का VCC पे जाता है, तभी क्या ये जो स्टार्टअप रेजिस्टेंस है इसका कोई जरूरत नहीं रहता है। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अभी क्या करेंगे, इसमें PWM जो IC है उसको इनबिल्ट करेंगे फ्रेंड। सो देखिए अभी मैंने क्या किया, इसमें ये जो PWM सेक्शन है इसको इनबिल्ट कर दिया हूँ, VCC वगैरह दे दिया हूँ। अभी देखिए इसमें जो STR है, वो PWM सेक्शन का STR है, मैंने इधर STR को जोड़ दिया हूँ। अभी इसमें एक फीडबैक देना बाकी है, फीडबैक नहीं देगा तो इसको पता नहीं चलेगा कि भाई आउटपुट में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी ये वर्क नहीं करेगा। सो पहले हम लोग एक क्या करेंगे, एक लोकल फीडबैक को जोड़ देंगे। लोकल फीडबैक को कैसे जोड़ेंगे, इसका जो फीडबैक वाला पिन है देखिए मैंने क्या किया, ये जो PWM सेक्शन का फीडबैक हिस्सा है उसमें एक लोकल फीडबैक जोड़ दिया हूँ, क्योंकि इसको बेवकूफ़ बनाना पड़ता है कि भाई हाँ फीडबैक आपको मिल गया, इसका मतलब आउटपुट में कुछ बन रहा है, क्योंकि इसको फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा, इसको नहीं पता चलेगा कि आउटपुट में क्या हो रहा है, तभी ये स्विचिंग करना बंद कर देगा, स्विचिंग नहीं करेगा। इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोकल फीडबैक जोड़ दिया हूँ। देखिए फीडबैक के बारे में मैं बात में आती हूँ, अभी हम लोग देखेंगे इसमें कुछ वोल्टेज एक्चुअली में बन रहा है या नहीं बन रहा है फ्रेंड, हम लोग देखेंगे। अभी
पावर कनेक्ट करते हैं। देखिए कितना आ रहा है, 30, 31, 32 ऐसे करके कुछ बन रहा है। इसका मतलब ये PWM सेक्शन काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए इतना वोल्टेज क्यों बन रहा है, क्योंकि आउटपुट में हम लोगों ने कोई फीडबैक या रेगुलेटर वगैरह कुछ नहीं यूज किए हैं। आउटपुट में जब तक फीडबैक सेक्शन हम लोग इनबिल्ट नहीं करेंगे, हम लोगों का रिक्वायरमेंट का वोल्टेज हम लोगों को नहीं मिल सकता है। लेकिन इसमें ये पता चलता है कि PWM सेक्शन काम कर रहा है, आउटपुट में वोल्टेज इसीलिए बन रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो कपलर रहता है, कपलर के आउटपुट में एक क्या रहता है, LED रहता है, आप लोगों को पता है। और इनपुट में एमिटर को ग्राउंड करके ये वाले हिस्से को, जो SMPS का जो PWM सेक्शन है, उसको फीडबैक हम लोग देते हैं। फीडबैक देने का टाइम क्या होता है, ये कपलर का LED जब एक्टिव होती है तब भी यही नेगेटिव सप्लाई एमिटर से होके कलेक्टर होके फीडबैक सेक्शन पे जाती है। इसका मतलब क्या, फीडबैक पे नेगेटिव सप्लाई को कम ज़्यादा करके उसका फीडबैक एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने क्या किया, एक डायोड को लगा दिया किसी, देखिए अब देख पा रहे हो फ्रेंड, डायोड को मैंने एक लगा के नेगेटिव जोड़ दिया हूँ। डायोड का जो कैथोड वाला हिस्सा है उसको ग्राउंड के साथ, और एनोड से फीडबैक ये STR को दे दिया हूँ। देखिए कभी आप लोगों के पास SMPS ऐसा कंडीशन पे आएगा कि SMPS पे कुछ नहीं आउटपुट बन रहा है, जब भी आप लोगों के पास SMPS आएगा कि SMPS पे कुछ नहीं आउटपुट वोल्टेज बन रहा है, तभी आप लोगों को क्या देखना है कि आउटपुट पे कुछ शॉर्ट वगैरह है या नहीं है, पहले आप लोगों को देख लेना है। शॉर्ट कैसे चेक करेंगे आउटपुट में है या नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ। क्या करना है, डायोड हिस्से पे रख देना है मल्टीमीटर को, और देखिए ऐसे 400 से ऊपर का रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब इस पे कुछ शॉर्ट नहीं है। सो वोल्टेज नहीं बन रहा है, मतलब आपको पहले क्या कर लेना है, आउटपुट में शॉर्ट है या नहीं है उसको देख लेना है। क्योंकि आउटपुट में शॉर्ट रहेगा तो ये STR फर्स्ट टाइम स्विचिंग करने के बाद और स्विचिंग नहीं करेगा, और आउटपुट पे कुछ वोल्टेज प्रोवाइड नहीं होगा। सो पहले क्या देख लेना है, आउटपुट में शॉर्ट है या नहीं है। देख लिया आपने आउटपुट में शॉर्ट नहीं है। आप लोगों को ये भी पता है STR क्या करता है, फर्स्ट टाइम स्विचिंग करता है, उसके बाद ये फीडबैक मिलने के बाद ही ये फिर और एक पल्स को जनरेट करते हैं। आपको मान लो आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, सो आप क्या करेंगे, एक कैपेसिटर पे वोल्टेज देखोगे। कैपेसिटर पे वोल्टेज देखने के बाद इधर कोई शॉर्ट वगैरह है या नहीं है देख लेना है। फिर उसके बाद ये VCC सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको देख लेना है। आपने देख लिया सब कुछ बराबर है, आउटपुट पे भी कुछ शॉर्ट नहीं है, फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। सो तभी क्या करना है, फीडबैक के लिए जो कपलर है, कपलर को आप लोग सेट से रिमूव कर दो। रिमूव कर दिए हैं, रिमूव करने के बाद क्या करोगे, आउटपुट में मल्टीमीटर को देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसका जो लोकल फीडबैक उसको भी मैं हटा लेता हूँ। क्योंकि आप जब SMPS से कपलर को हटा लेंगे तभी इसको भी फीडबैक नहीं मिलेगा। सो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मल्टीमीटर को जोड़ देता हूँ। देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, फीडबैक का जो कपलर है उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करके पहले मल्टीमीटर को जोड़ देना है, पहले जोड़ने के बाद इसमें एक बार पावर दे के देखना है कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए मैंने क्या बताया था कि ये फीडबैक सर्किट फर्स्ट टाइम SMPS को एक्टिव होने के लिए फीडबैक का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या करता है, STR स्विचिंग करता है, इससे वोल्टेज कुछ पैदा होता है, उसके बाद रेगुलेट होके फीडबैक होके इधर आता है कि भाई आउटपुट पे इतना बन रहा है तो आप उतना ही स्विचिंग पल्स क्रिएट करो या उससे ज़्यादा करो, वही इसको पहुंचाता है कि हम ये ऑप्टो कपलर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसमें से ऑप्टो कपलर हटा दिया है। सो फर्स्ट टाइम तो वोल्टेज कुछ बनना चाहिए। सो
उसको देखने के लिए आप लोगों को SMPS में पावर देने से पहले मल्टीमीटर को आउटपुट में जोड़ देना है। देखिए मैंने भी जोड़ दिया, मल्टीमीटर को तरह ध्यान दीजिए, मैं अभी पावर देता हूँ, कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है देखिए। देखिए पावर देने के बाद कुछ वोल्टेज बन रहा है 2.53 SN9 3.37, देखिए कुछ बन रहा था। इसका मतलब कि इसका जो स्विचिंग सेक्शन बराबर काम कर रहा है, तो फिर भी आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है का मतलब क्या है कि आउटपुट में जो फीडबैक सर्किट है उसी पे कुछ प्रॉब्लम है, या इनपुट फीडबैक जो सप्लाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तब आप लोग एक बात आप लोगों को कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो PWM सेक्शन है ये काम कर रहा है, इसके लिए कुछ वोल्टेज बन रहा था, उसके बावजूद भी इस आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा था, मतलब इसका जो आउटपुट फीडबैक सेक्शन या इनपुट फीडबैक सेक्शन उसी में कुछ दिक्कत है। तभी क्या आप लोगों को फीडबैक सेक्शन को चेक करना है। सो देखिए अभी क्या करेंगे, इसमें एक फीडबैक सर्किट को हम लोग जोड़ेंगे, हम लोगों का जो पहला वाला फीडबैक सर्किट उसको हम लोग जोड़ेंगे। सो अभी इसमें जितना हिस्सा जोड़ना था जोड़ दिए हैं। सो देखा फ्रेंड, इसका जो वोल्टेज बनना था इसका वोल्टेज बराबर वोल्टेज बन रहा है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके और हटा के और कुछ एक्सपीरियंस करके देखेंगे। देखिए मैंने इधर मल्टीमीटर को और लोड को रिमूव कर दिया हूँ। इसमें आप लोगों को एक बात मैं दिखाता हूँ, ये जो कैपेसिटर रहता है फीडबैक सर्किट में एसी के हिस्से में, इसका मतलब इसका जो प्राइमरी हिस्सा है उस पर जो कपलर का 3 और 4 नंबर पिन पे जो कैपेसिटर रहता है ये, इसका ज़रूरत देखिए, मैं ये कैपेसिटर को हटा लेता हूँ। एक कैपेसिटर का कितना ज़रूरत, एक कैपेसिटर क्या करता है, इसमें जो फॉल्स स्विचिंग होता है फॉल्स स्विचिंग को रुकने के लिए ये कैपेसिटर को यूज करते हैं। सो अभी पावर देके देखते हैं इसमें एक्चुअली क्या होता है। देखिए मल्टीमीटर के तरफ देखिए, फर्स्ट देखिए फ्रेंड पावर मैंने दे दिया हूँ, वोल्टेज क्या हो रहा, सॉरी फ्रेंड। सो देखिए फ्रेंड, इसका फीडबैक सेक्शन पे जो जो कैपेसिटर रहता है 104 करके, कोई जो भी सर्किट हो जैसे उसका डिजाइन के मापी कंपनी वालों ने इसमें कैपेसिटर यूज करते हैं, ये कहाँ रहता है, ये जो कपलर का 3 और 4 नंबर पिन पे ये जो फॉल्स स्विचिंग रोकने के लिए कैपेसिटर को कंपनी वालों ने यूज करते हैं, उसका क्या ज़रूरत है आप लोग देखिए। पहले आउटपुट का जो लोड है उसको मैं हटा लेता हूँ। अभी मल्टीमीटर में देखिए कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि SMPS डेड कंडीशन पे, और एक कैपेसिटर को मैंने हटा लिया हूँ। अभी मल्टीमीटर के तरफ ध्यान दीजिए, मैं SMPS पे पावर देता हूँ, देखिए क्या बनता है। देखिए फ्रेंड वोल्टेज थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है, देख पा रहे हो, देखिए कुछ टाइम के बाद ये वोल्टेज देखिए, अभी ये वोल्टेज जितना बनना चाहिए उतना 12 करके बन गया। देखिए इसका जो ज़रूरत, कितना ज़रूरत देखा है आपने, अगर आपको आउटपुट में वोल्टेज फ्लिकरिंग कर रहा है या अप डाउन कुछ हो रहा है, तभी ये PF को देख लेना है कि PF आपका सही कंडीशन पे है या कुछ PF ओपन हो गया है। सो PF को चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये सर्किट पे ये PF का ज़रूरत बहुत ही है।
आप लोग जब SMPS पे काम करोगे तभी आपका SMPS का आउटपुट वोल्टेज ऐसे कुछ अप डाउन करेगा या फिंकरिंग करेगा, तभी ये PF को आप लोग चेक कर सकते हो। PF अभी आपने जोड़ दिए है, अभी क्या करते हैं आउटपुट का जो लोड डिस्चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद फिर पावर दे के देखते हैं। फ्रेंड अभी पावर देते हैं, पावर देने के बाद क्या होता है देखिए, PF रिमूव करने के बाद क्या देखा था, वोल्टेज थोड़ा थोड़ा करके बन रहा था। फ्रेंड अभी देखिए PF लगा दिया, देखिए 12 वोल्ट बन गया, लाइन देते ही बन गया। फ्रेंड इसका मतलब है PF का बहुत ही ज़रूरत है, PF अगर इस पर नहीं रहेगा तो वोल्टेज ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बन सकता है। और एक बात देखिए, ये जो TL431 है, पहले क्या करते हैं हम लोग इसमें लोड को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखा तो लोड कनेक्ट करके हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें लोड और मल्टीमीटर दोनों को कनेक्ट कर दिया हूँ, तो अभी पावर देते हैं। देखिए कितना वोल्टेज करके बन रहा है, 12 वोल्ट। मल्टीमीटर का प्रोब गलत लगा दिया हूँ, देखिए कितना बन रहा है, 12.13 करके बन रहा है। लेकिन ये जो 431 है इसको हटा के मैं और एक 431 को लगा के दिखाता हूँ। सब 431 है, देखिए ये भी एक 431 है और मैं अलग एक 431 को लगाता हूँ। ये क्या पहले क्या था, ये भाई W431 और ये TL431। TL431 को और एक दूसरा नंबर का TL431 लगा दिया, तो इसमें देखिए पावर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या बन रहा है देखिए मल्टीमीटर को देखने के बाद ही पता चलेगा। फ्रेंड देखिए अभी क्या बन रहा है, 12.36 बन रहा है। वो जो 12 TL431 था उसको लगाने के बाद क्या देखा था हम लोगों ने, 12.12 करके बन रहा था। सो TL431 के बारे में मैं आप लोगों से क्या डिस्कस किया था कि जो TL431 WA431 KA431 हर एक जो कोड नंबर है उसमें फर्क गया है, वो जो एम्पियर आउटपुट करेगा, कोई 431 थोड़ा लो करेगा, कोई 431 थोड़ा हाई करेगा, आउटपुट का जो करंट वो जो आउटपुट करेगा उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट आएगा। देखिए ये ऑप्टोकपलर क्या करता है, ये TL431 का जो आउटपुट करंट है उसी पे डिपेंड करके इसका अंदर वाला जो LED है वो हाई लो होता है। सो इससे अगर लो करंट पास होगा तो इसका अंदर कपलर का अंदर वाला जो LED है वो थोड़ा लो ग्लो करेगा, थोड़ा कम ग्लो करेगा, और इससे कैथोड से होकर एनोड तक जो करंट जाएगा वो ज़्यादा जाएगा तो इसका अंदर वाला LED क्या करेगा, थोड़ा हाई ग्लो करेगा, तभी हाई फीडबैक होगा। सो देखिए ये 12 वोल्ट में इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इतना सा वोल्टेज आउटपुट है। जब भी आप लोग 110 वोल्ट या उससे ज़्यादा वोल्ट में जब काम करोगे, ये TL431 का थोड़ा मिली एम्पियर करंट भी आउटपुट में वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई लो कर सकता है। सो उसके लिए आप लोग जब भी ये TL431 रिप्लेस करोगे सर्किट में, आप लोग कोशिश करोगे उसी कोड नंबर का एक 431 आप लोग सर्किट पर लगाओ, क्योंकि आप लोग अलग एक कोड नंबर का TL431 सर्किट पे लगा देंगे तो आउटपुट का वोल्टेज जो हाई लो हो सकता है, लेकिन आउटपुट का वोल्टेज कंट्रोल आप लोग कर सकते हो। ये जो R1 रेजिस्टेंस है, मैंने इससे पहले वाला एक वीडियो में आप लोगों को साथ डिस्कस किया था, आउटपुट का वोल्टेज अगर हाई लो हो जाए तो
पॉजिटिव सप्लाई से रेफरेंस तक जो रेजिस्टेंस आता है आर वन, उसको हम लोग कम ज़्यादा करके आउटपुट का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। देखिए और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने पहले क्या डिस्कस किया था, ये जो PWM STR है या सेक्शन बोल सकते हो, इसको एक्टिव होने के लिए ये जो रेजिस्टेंस है इससे VCC आके फर्स्ट ये स्विचिंग होने से पहले इसको VCC मिलता है, वही VCC क्या करता है इसको एक्टिव करके इसमें स्विचिंग पैदा करती है। लेकिन ये एक्टिव होने के बाद इससे VCC बन जाता है, आके PWM सेक्शन पे आ जाता है, तभी ये जो सप्लाई आती है रेजिस्टेंस से इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पहले क्या करता है ये रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया हूँ, तो अगर ये रेजिस्टेंस को मैं सर्किट से रिमूव कर दूँगा तो ये स्टेयर एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि VCC आके नहीं पहुँचेगी। मैंने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस है देखिए इसको देख पा रहे हो, इसको मैंने रिमूव कर दिया हूँ। देखिए आपने देख पा रहे हो ये रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। देखिए पावर देता हूँ, देखिए इसमें क्या होता है, वोल्टेज कुछ बनता है या नहीं बन रहा है। देखिए फ्रेंड पावर दे दिया हूँ, कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है, लेकिन इधर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है देखिए। देखिए फ्रेंड मल्टीमीटर का तो देखिए देखिए मल्टीमीटर में देख सकते हो 340 करके बन रहा है DC, लेकिन इसका जो VCC है इसमें कुछ नहीं वोल्टेज है। देखिए कुछ वोल्टेज नहीं, इसके लिए ये MOSFET काम नहीं कर रहा है। और आउटपुट पे देखिए कुछ नहीं वोल्टेज बन रहा है। सो VCC देना बहुत ज़रूरी है इसको एक्टिव करने के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको VCC फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं, उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है VCC जाता है PWM सेक्शन को, वो VCC को हम लोग हटा लेते हैं, तो देखेंगे वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है। देखिए फ्रेंड मल्टीमीटर को देखिए, अभी पावर देने से पहले क्या करेंगे, इसका जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम लोग जोड़ के रखेंगे। देखिए फ्रेंड ये जो रेजिस्टेंस है VCC रेजिस्टेंस, इसको मैंने रिमूव किया हुआ हूँ। अभी क्या करेंगे, इससे पावर देंगे। देखिए पावर कुछ नहीं वोल्टेज बन रहा है फ्रेंड, क्योंकि इसका जो PWM सेक्शन है उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग वोल्टेज जो सॉफ्ट स्टार्टर है वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को। देखिए देखिए जोड़ने के बाद वोल्टेज रेडी हो गया फ्रेंड। इसका मतलब इसका जो VCC सप्लाई है रेजिस्टेंस से होके PWM सेक्शन तक आ गया, उसके लिए आउटपुट में वोल्टेज बन रहा है। सो अभी क्या करेंगे, देखिए आउटपुट में वोल्टेज बन रहा है। सो अभी क्या, ये चौपार से भी VCC बन के ये PWM सेक्शन तक जा रहा है, लेकिन ये जो स्टार्टअप रेजिस्टेंस है अभी इसका ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया हूँ पूरा सेट से। देखिए अब देख पा रहे हो फ्रेंड, देखिए ये रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया हूँ, फिर भी SMPS एक्टिव कंडीशन पे है। इसका मतलब आप लोगों को पता क्या चल गया, ये जो चौपाल से VCC अभी बन के स्टीयर तक आ रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करके ये PWM सेक्शन काम करता है। सो ये रेजिस्टेंस का क्या ज़रूरत है, फर्स्ट टाइम ज़रूरत है। जब भी ये SMPS एक्टिव कंडीशन पे नहीं रहेगा, ये चौपार पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तब भी ये रेजिस्टेंस का ज़रूरत है।
उसके बाद इसका कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को और एक बार दिखाता हूँ। देखिए पावर ऑफ कर दिया हूँ, देखिए पावर दे दिया हूँ, सेट ऑफ कंडीशन पे है, क्योंकि ये PWM सेक्शन पे VCC आके नहीं पहुँच रहा है, तभी ये रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस से हम लोग पावर जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने के बाद VCC स्टार्ट हो गया, अभी ये रेजिस्टेंस को देखिए रिमूव कर दिया हूँ, सेट फ्रंट देखिए SMPS पे रिमूव कर दिया हूँ, तब भी जाके वोल्टेज बन रहा है। सो इसी से आप लोग कन्फर्म हो गया कि SMPS रेडी होने के बाद ऑक्सिलरी जो VCC है ये चौपार से ही आती है, और स्टार्टअप रेजिस्टेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो यही तक, आशा रखता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई भी SMPS पे जाके काम कर सकते हो। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आंसर देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।